कृष्ण जन्माष्टमी है। पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे दुनिया में भगवान कृष्ण की जयंती को बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं। एंग्लो इंडियन से लेकर हिंदू धर्मावलंबी जो मानने वाले लोग हैं, सब लोग भगवान कृष्ण पास आकर देखते हैं। लेकिन जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करके हमारे नाथदेव को नाम लेकर के, मुख्यमंत्री का नाम लेकर के यहाँ से वो आ ही नहीं गया, बल्कि नीतीश कुमार जी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री के इशारे पर क्या बन रहा है, रेल बसेरा जिसको मैं पहचान लेना चाहिए, लालू प्रसाद जी ने यहाँ के गाँव गरीब में रहने वाले लोग जो ट्रेनों से लेकर के दूर दराज से ट्रेन से जा करके यहाँ करके अपने उनके आस्था पर, उनके रोजगार पर, उनके पेट पर सीधा हमला करने का काम किया है, बिना कोई नोटिस, बिना कोई चिट्ठी ना संदेशा, और ये बर्बरता पूर्ण करवाई जय पैमाने पर करने का काम किया है। एक बात याद रखना, राष्ट्रीय जनता दल हर परिस्थितियों में दमनकारी नीति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए हमारे दल के हर सरकार के सवाल पर उनके ऊपर कार्रवाई के खिलाफ, राष्ट्रीय जनता दल ने पूरी अपनी 90 से पहले हमारे नेता हम लगातार कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का आदर्श उसमें गमछा था ना, जो नया का देख के गया था, तो वो गमछा दे दो ना, उसमें रुआ नहीं ना होगा। बिना परखे इनक्रोचमेंट के नाम पर सरकार ने इसको बस करने का काम किया। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जानते हैं कि हमारे जो लोग हैं सत्ता में बैठे लोग, ये कोई कार्रवाई करने वाले जो पदाधिकारी हैं, उनके बस की बात नहीं है। जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का इशारा नहीं होगा, इतना बड़ा कार्रवाई कतई संभव नहीं है। आप जानते हैं ये कार्रवाई किनके इशारे पर हुआ, सबको पता है किनके इशारे पे हुआ, यह बताने की जरूरत नहीं है। सब लोग अपने नारों के माध्यम से यहाँ हमारे कार्यकर्ता जो गरीब गुरुओं में आस्था रखने वाले लोग, एक जो हिंदू के नाम पर देश में छद्म हिंदुवाद की बात करते हैं, जिनका आवरण भले ही करिएगा, लेकिन आचरण का है, हमारा आवरण हमारा आचरण दोनों में समावेश है। हमें कथनी और करने में अंतर नहीं रखते, हमारा सब साफ साफ है, हम कथनी वही करते हैं। फरमान के माध्यम से हमारा जो खास कर करके बंगाली मोहन करो यहाँ जो हड़ताली मोड़ पर हमारा जो पुरखा है। नाम वहाँ पर नेम प्लेट पर लगाने के एक खंडित प्रयास है। इस खंडित प्रयास को राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर लोहिया जी की मूर्ति भी उखाड़े गए, लेकिन लोग चुप रहे। कई मूर्तियाँ जहाँ पर आदरणीय लालू प्रसाद जी ने यहाँ राजकीय सम्मान के लिए अपने पुरखों को, आदरणीय लालू प्रसाद जी लगातार कहते हैं कि जो जो जिंदा कौम अपने पुरखों को सम्मान नहीं करता, जो अपने अतीत का सम्मान नहीं करता, वह व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं कर सकता है। तो हमारे पुरखों के साथ आज छेड़ हुआ है, गरीब गुरुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रीय
जनता दल ही नहीं, जिनको भी हिंदू धर्म में आस्था है या जो धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों को मानते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या जैन हो, सभी धर्मों के मानने वाले लोग सबकी कदर करते हैं, सबका आदर करते हैं। लेकिन जिस बगीचे में कमल का फूल खिलता हो, वो बगीचा नहीं है, बगीचा वही होता है जहाँ हर तरह के फूल खिलते हैं। हमारे बढ़ते कदम कभी डगमगा नहीं सकते, हम संख्या बल पर विश्वास नहीं करते। डॉक्टर भैया ने कहा कि चलने वाला व्यक्ति सत्ता के गलियारों में अपने नीतियों को लेकर के जब आगे बढ़ता है, पीछे मुड़ करके मत देखो कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। कारवां बढ़ती जाएगी, सच्चाई की जीत होती है। सच्चाई हारता नहीं, सच्चाई परेशान हो सकता है, सच्चाई हार नहीं सकता। राष्ट्रीय जनता दल वो देखे लगातार सत्ता में भी रहे हैं, सत्ता के बाहर भी रहे हैं। सोन और शिखर दोनों को हमने बड़ी नजदीक से देखा है। हम अगर शिखर पर भी थे तो हम आजादी नहीं थे, हम जनता की सरकार निकल के देखे, हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन बड़ा जानते हैं जो अपने सुविधा के हिसाब से राजनीति प्रकाशित करते हैं, हिंदू के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी सिख के नाम पर, कभी ईसाई के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदुओं से खबरदार रखना पड़ेगा। हमारे युवा साथी यहाँ देख रहे हैं, जिनकी उम्र अभी नौनिहाल है, 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, इन लोगों ने उन कष्टों को नहीं देखा है। देश का हालात बड़ा ही जर्जर है, पूरे देश में अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, पूरे देश में बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी जा रही है, हमारे पुरखों की मूर्तियां तोड़ी जा रही है। लेकिन हम करवा दो है, भगवान कृष्ण ने कहा है कि अपराध करने वाले से संत रविदास का, संत रविदास है, संत रविदास है, संत रविदास कहना। अरे रुकिए, आप बोल दीजिएगा, आप जो भाषण दीजिएगा, बोलिए, आप क्या बच जाइएगा। हम जो है भावी पार पर इस बात को हम कहना, इसलिए तमाम लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि इनके एक एक जो कारनामे हैं धीरे धीरे खुल करके आएगा। अभी तो जीत करके देश में, अभी देश में जीत करके गए, और जीत के जाने के बाद पहला हमला बिहार पर ही हुआ। बिहार के नौनिहाल बच्चे, बहुत बच्चे याद करिए।